मित्रों, ये है चिड़िया का घोंसला। जिस घर में चिड़िया का घोंसला होता है और वो बार बार इसमें आती है, वो बहुत शुभ होता है। चिड़िया बहुत ही शर्मीली और घबराहट वाली बर्ड होती है, जो बहुत जल्दी घबरा जाती है। लेकिन अगर आपके घर में बेझिझक चिड़िया आती है और उस पर झूलती है, पानी पीती है, पानी में नहाती है, तो वो बहुत शुभ होता है। चिड़िया जिस घर में अक्सर बेरोक टोक आए, उसमें छप 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 पानी पिए, नहाए छप छप करके, वो बहुत शुभ होता है। चिड़िया की बीट भी बहुत शुभ होती है। अगर आपके घर में अक्सर चिड़िया आती जाती है और प्रजनन करती है, तो वो बहुत शुभ होता है। चिड़िया का जो प्रजनन होता है बहुत शुभ होता है, और चिड़िया का घोंसला कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, इस जगह घोंसला है और इस चिड़िया ने मतलब घोंसला बना रखा है, और अक्सर आती जाती है चिड़िया, बेरोक टोक आती जाती है। और चिड़िया जिस घर में बीट करती है तो बहुत शुभ होता है। चिड़िया का बीट करना बहुत शुभ होता है, चिड़िया का प्रजनन करना बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में चिड़िया चहचहाती है और अक्सर आती है, तो आपके घर में शुभ संकेत कुछ आने वाले हैं, ऐसा आपको मानना चाहिए। पैसे के संकेत भी देती है चिड़िया। अगर चिड़िया आपके घर में 5 की या 6 की संख्या में झुंड के झुंड बनाकर आए, तो वो बहुत शुभ होता है। और आपके घर में पैसा ही पैसा आता है, आपकी तरक्की होती है और बहाने मार मार के पैसा आपके घर में आता है। तो चिड़िया का आपके घर में बहुत शुभ होता है आना। और चिड़िया को कभी उड़ाना नहीं चाहिए। चिड़िया जितनी देर बैठे उसको बैठने देना चाहिए। इससे बहुत शुभ प्रभाव घर में होने लगते हैं और वास्तु भी आपके अनुकूल हो जाता है। जो काम आप करते हैं उसमें प्रोग्रेस होने लगती है अगर आपके घर में चिड़िया आने लगती है। तो चिड़िया का आना बहुत शुभ होता है और आपकी प्रगति होती है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही थी, और चिड़िया की चहचहट आपने मेरे वीडियो में अक्सर सुनी होगी। तो जो चिड़िया होती हैं अक्सर यहाँ आती हैं और घोंसले में आती हैं, खाती पीती हैं और बहुत इंजॉय करती हैं, वो खुश दिखती हैं। तो चिड़िया को आप आने से ना रोकें, इससे आपकी प्रगति बनी रहती है। चिड़िया को आने से ना रोकें। तो चिड़िया को कभी भी अंदर आने से ना रोकें, उसकी रेस्पेक्ट करें। और वो बीट करती है तो बहुत शुभ होता है, उसकी बीट को कभी साफ ना करें। छोटी सी बीट होती है उसकी, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। अगर आप तिजोरी में चिड़िया के बीट रखते हैं, तो आपको बहाने मार मार के पैसा आने लगता है। आप अपने चिड़िया की जो बीट होती है, अगर अपने पर्स में रखते हैं, किसी कपड़े में लपेट कर, तो आपको पैसे की बरकत होती है, आपकी उन्नति होती है। तो चिड़िया बहुत ज़्यादा काम की होती है, और चिड़िया तो बहुत भोली पक्षी है, उसका कभी अपमान ना करें। हालांकि अपमान से परे होती है चिड़िया, और हमारे घर की शोभा होती है चिड़िया। और चिड़िया को आने दें, उसके घोंसले को कभी हटाएं नहीं, और आपके घर में निरंतर बरकत होगी। अगर आपके घर में चिड़िया का घोंसला है तो आप लकी हैं। चिड़िया के घोंसले को कभी ना हटाएं, और क्योंकि चिड़िया कई बार दोबारा आती है, तिबारा आती है, चौबारा आती है, कई बार आती है, तो उसको आने दें चिड़िया को। चिड़िया का आना बहुत शुभ होता है, आपके दिन अच्छे आ रहे हैं, ऐसा संकेत आपको मिलता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमा श्री, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, 25 साल से ज्योतिष शास्त्र पर काम कर रही हूँ। आप मुझसे एस्ट्रो एडवाइस भी ले सकते हैं। मैं नवरात्रि ऑफ़र शीघ्र ही लेकर आ रही हूँ, जिसको डिक्लेयर करने वाली हूँ। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए शुल्क अदा करना होगा, लेकिन आपका शुल्क बहुत कम होगा, 50% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो तुरंत संपर्क करना, और एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है, आपको मालामाल बना सकती है। मेरे अन्य वीडियो भी YouTube पर अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं, 5400 की संख्या में अवेलेबल हैं। तो उनको देखने के लिए आप टाइप करें डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल के सब वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाएंगे, जो आपको तरह तरह से लाभान्वित करते हैं। आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमा श्री एस्ट्रोलॉजर, मेरे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सब वीडियो खुलकर सामने आ जाते हैं, जो 5400 की संख्या में है। इनको आप देखा कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रही है, बेल बटन भी दबाइए, यहाँ जानकारी दी जाती है बहुत ही उपयोगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा।